मैं सलाम सो सत अपने यूट्यूब चैनल मेरा सोना डडियाल उम्मीद तक सारी ठीक ठाक खरीदना दोस्तों आज एक दफा फिर सानी खिदमत एक नई वीडियो की नीचे हाजिर हुए आज जनाब जुमा है इसके अलावा रमजान और मुबारक ना जी जनाब सोलवा रोजा है तो इसलिए मैं जनाब मस्जिद इस्लाम के बार फिर देना नाल सारे मौजूद ने मास्टर अरुण साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और सुनाओ जी, कोई रमजान बारे में क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं आवाम की? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अरसलान भाई ने अभी बताया है कि रमज़ान मुबारक है, तो माह मुकद्दस का महीना है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को माह रमज़ान के इस बाबरकत दिनों में हर अच्छी बात समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि ये जो महीना है इसमें एक तो हम इबादत करते हैं, नमाज तरावी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत की जाती है और जिक्र अज़कार किए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अल्लाह ताला इंसान जितना अल्लाह ताला के नज़दीक हो सके उतना ही बेहतर है। जिस तरह हम रमज़ान मुबारक में इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हमें चाहिए कि बाकी जो महीने इनका असर उन महीनों में भी हमें नज़र आना चाहिए। और दूसरा ये है कि रमज़ान के महीने में हर मुसलमान के लिए एक एहसास पैदा होता है एक दूसरे के लिए। मसलन अगर कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से माशी तौर पर मजबूत है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, खाने पीने को उसको अच्छा मिल रहा है, तो रोज़ा रख के उसको ये एहसास होता है कि बाज़ औक़ात जो गरीब लोग होते हैं, जो मजबूर लोग होते हैं, जो ज़िंदगी बड़ी कसमोपरसी की हालत में गुजार रहे हैं, तो वो किस तरह अपना गुजर अकात करते हैं। उनको बाज़ औक़ात एक टाइम का खाना मिलता है, एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो इंसान के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि मैं जो है जो अच्छे लोग हैं, जो साहिब सरवत लोग होते हैं, उनके दिल में ये ख्याल आता है कि हम इन लोगों का ख्याल रखें। और उनके साथ दिल में ये एहसास पैदा होता है कि ये किस तरह ज़िंदगी इस तरह इतनी मुश्किल गुजार रहे हैं, तो जब उसको अभी भूख और प्यास लगती है वो सोचता है कि जिस तरह मुझे रमज़ान का रोज़ा रखकर भूख प्यास महसूस हो रही है, तो आम दिनों में जो लोग जो जिनको खाने पीने को कुछ मयसर नहीं होता और मुश्किलात होती हैं, तो उनके बारे में उसके जहन में अच्छी ख्वाहिशात पैदा होती हैं कि इनका ख्याल रखे और उनको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी मयसर आ सके। तो हमारे जो डडियाल के लोग हैं ख़ास तौर पर मैं उनको कहना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने से हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की एक तरबियत मिल रही है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि हर इंसान अपने बारे में सोचता है, इंसान अपने बारे में तो सोचता है, लेकिन असल ज़िंदगी ये है कि जिस तरह मैं बाज़ लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई इंसान मेरी मखलूक के लिए सोचता है, जितनी देर में वो मेरे मखलूक के कामों में लगा रहता है, मेरी मखलूक के बारे में सोचता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसके बारे में सोच रहा होता हूँ, उसकी बेहतरी कर रहा होता हूँ। तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितनी बेहतरी कर सकता है? इंसान तो एक कमज़ोर चीज़ है, बहुत ही कमज़ोर हस्ती है, वो दूसरे के लिए कितना सोच सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बहुत बड़ी ज़ात है। तो वो जब एक इंसान दूसरे के लिए सोच रहा है तो वो ये सोचे कि अल्लाह ताला उसके बारे में कितना बेहतर कर सकते हैं, उसकी तो इंतहा ही नहीं। ये सोच के हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा जनाब मस्जिद अफ्तारी है ते वो भी जनाब से की इंशाल्लाह वीडियो दसा नाल से नाल मौजूद ने अब्दुल हादी साहब, इसके अलावा जुबैर साहब और असनैन साहब जनाब मौजूद ने, उन्हें बहुत के रोज़ा सा त्रे जो किस बंदे ने माशाल्लाह त्रेया ने रोज़ा वे जुम्मे हर बच्चा रोज़ा रखना। ये गल है कोई पता नहीं जी, रखे भी है कोई छे भी छोड़े और बड़ा बड़ा रखे जनाब तेरे रोज़ा रखे तो हूं जनाब अफ्तारी ना समान अच्छा है कि जनाब अफ्तारी भी दसने अंदर है जनाब मस्जिद नुसरतुल इस्लाम जामे मस्जिद नुसरतुल इस्लाम चलने अंदर तक तकने के क्या कुछ माहौल माशरा है। फिलहाल जनाब दस्तखान डड़े है, बाकी समान शान अच्छा है, जनाब सी जनाब चक चक कराने हैं। है जनाब बिरयानी है जी जनाब, इस तू अलावा
जनाब मिठे चावल ने बाकी है प्लेटा शेटा जनाब लाने हूँ। यार ये रमजान कर दे जाते जाते जो किस्मत सवर दे ऐसा यार ये रमजान कर दे सीधा रास्ता जो मुझको दिखा दे नक्शे बातिल जो यक सर मिटा दे सीधा रास्ता जो मुझे